शार्क मछली के पास पलकें होती है क्या, और क्या वे हमारी तरह पलकें झपका सकते हैं क्या? इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है, और पीरियड वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आखिर किसने इसे सबसे पहले बोला था? ऐसे ही मजेदार बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस वीडियो में इन सारी बातों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर 19th सेंचुरी में महिलाएं आर्सेनिक क्यों खाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 10, जिस तरह से हमारी धरती पर भूकंप आते हैं जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, उसी प्रकार चांद पर भी भूकंप आते हैं और उसे अर्थक्वेक नहीं कहते हैं बल्कि उसे मूनक्वेक्स कहते हैं। मून क्वेक्स हमारी धरती के ग्रेविटी के प्रभाव के कारण आते हैं जो कि बहुत ही कमजोर कंपन होती है। लेकिन मूनक्वेक्स जो है ना वो आधे घंटे तक भी आ सकती है, जबकि पृथ्वी पर अर्थक्वेक अधिकतर कुछ मिनटों तक की ही होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या सार्क हमारी तरह अपने पलकों को झपका सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिशेस के पास आईलिड नहीं होती है। बट वेट, कुछ सार्क ऐसा कर सकती है लेकिन हम इंसानों की तरह नहीं। एक्चुअली कुछ ऐसे शार्क्स की प्रजातियां हैं जिनके आंखों के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव आईलिड के जैसे काम करती है, और जब ये शार्क्स शिकार करती है ना उस समय आई डैमेज से ये मेम्ब्रेन बचाती है। फैक्ट नंबर 8, हम जब भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ट्रैफिक लाइट जल रही होती है यानी कि वो रेड कलर की होती है, तो हम ट्रैफिक लाइट के चेंज होने का वेट करते हैं, और वेट करते करते ऐसा लगता है जैसे कि कई घंटे हो गए हों लेकिन ये बत्ती चेंज हो ही नहीं रही है। बट एक्चुअली क्या आपको ये पता है कि एक एवरेज पर्सन अपनी ज़िंदगी का करीब 2 वीक्स ट्रैफिक लाइट के चेंज होने में बिता देते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि छोटी सी तो है लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया के मुकाबले कम जगह में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन है, और इस देश में औसतन हर 40 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि लॉस एंजलस, जिसे ऑफिशियली द सिटी ऑफ लॉस एंजलस कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? लॉस एंजलस का पूरा नाम एल पेब्लो दे नोस्त्रा सेनोरा ला रेना दे लॉस एंजला दे पोर्सिसन क्यूला है, जिसका मतलब द टाउन ऑफ आवर लेडी द क्वीन ऑफ द एंजल्स ऑफ पर्सन क्यूला है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि IM इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे शॉर्टेस्ट और कंप्लीट सेंटेंस है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का ही होना जरूरी है, और आई एक सब्जेक्ट है और IM एक प्रेडिकेट है, जिस कारण IM सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस है। फैक्ट नंबर 4, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि घड़ियों के अधिकतर एडवर्टाइजमेंट में जो टाइम शो किया जाता है ना वो अक्सर 10:10 होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्माइल को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि पीरियड वर्ड का पहली बार टीवी पर इस्तेमाल कब किया गया था? एक्चुअली पीरियड शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1985 में मेंस्ट्रुएशन के रेफरेंस में किया गया था। इस वर्ड को पहली बार एक्ट्रेस कॉर्टनी कॉक्स ने टेम्पेक्स कमर्शियल के टेम्पॉन एड्स में बोला था, जो साल 1985 में आया था। फैक्ट नंबर 2, रशिया जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसकी सरफेस एरिया की बात करें तो ये 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये इतनी ज्यादा है कि प्लूटो ग्रह के टोटल सरफेस एरिया से भी बड़ा है, जो कि 16.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रशिया प्लूटो ग्रह के सरफेस एरिया के तौर पर उससे बड़ा है। फैक्ट नंबर 1, विक्टोरियन इरा में आर्सेनिक को डेंजरस तो माना जाता था लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी थे जिनमें आर्सेनिक पाया जाता था और महिलाएं उसे खाती भी थी, यानी कि उनका सेवन करती थी ताकि उनकी खूबसूरती बढ़े। ऐसा ही एक प्रोडक्ट डॉक्टर कैंपबेल का सेफ आर्सेनिक कॉम्प्लेक्शन वेफर था, जिसे महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए खाती थी, जो कि 19th सेंचुरी का एक प्रोडक्ट था, और उस प्रोडक्ट का ये क्लेम था कि इसे खाने से फ्रेकल्स, ब्लैक हेड और अन्य तरह के फेशियल डिसफिगरमेंट में राहत मिलती है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम रखते हैं बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।